नमस्ते, मेरा नाम है पवन और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। वैसे तो लोग समानता की खूब बातें करते हैं, तरह तरह के तर्क देते हैं, समान शिक्षा, समान स्वास्थ्य, एक साथ बैठने उठने और खाने की बातें करते हैं, लेकिन ये कहना गलत नहीं है कि ये बातें महज किताबों और नेताओं के भाषणों तक ही सीमित है, क्योंकि इसकी जमीनी हकीकत कुछ और है। जातियों के नाम पर आज भी वैसा ही भेदभाव होता है जैसा सदियों पहले हुआ करता था। दलितों को आरक्षण देने की बात होने पर जो लोग समानता की बात करके आरक्षण खत्म करने की बात करते हैं, उन्हें पहले ये समझना होगा कि आपको खुद के भीतर भी झांकना बेहद ज़रूरी है, और ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि दलितों के साथ आज भी भेदभाव कम नहीं हुआ है। चाहे हम जातिवाद खत्म हो गया कितना भी कह लें, लेकिन ये आज भी वैसा ही है। अब देखिए ना, अभी हाल ही में राजधानी लखनऊ में एक कथित उच्च जाति के शख्स ने सिर्फ नाम पूछकर एक डिलीवरी बॉय के मुंह पर थूक दिया। इतना ही नहीं, उस व्यक्ति को पूरे परिवार ने मिलकर डंडों से भी पीटा। दरअसल लखनऊ के आशियाना निवासी विनीत रावत जोमेटो में डिलीवरी बॉय हैं। बीते 18 जून यानी शनिवार रात उन्हें आशियाना में ही अजय सिंह नाम के कस्टमर के यहाँ डिलीवरी देने के लिए भेजा गया। वह डिलीवरी लेकर पहुंचे, विनीत ने पुलिस को भी तहरीर दी, जिसमें आरोप लगाया गया कि जैसे ही उन्होंने अजय सिंह को अपना नाम विनीत रावत बताया, इस पर वह भड़क गया। उन्होंने गालियां देते हुए कहा, अब हम तुम लोगों का छुआ सामान लेंगे क्या? इस पर विनीत ने कहा कि अगर आपको खाना नहीं देना है तो कैंसिल कर दीजिए, पर मुझे गाली तो मत दीजिए। इस पर पहले तो उन्होंने खाने का पैकेट फेंक दिया, इसके बाद मुंह पर तंबाकू थूक दिया। जब विनीत ने विरोध किया तो अजय और उनके परिवार के सदस्यों ने मिलकर उसकी डंडों से खूब पिटाई की। विनीत जैसे तैसे वहां से भागे और पुलिस को सूचना दी। थोड़ी देर बाद पहुंची डायल 112 की टीम ने विनीत को उसकी गाड़ी दिलवाई और कहा कि थाने जाकर केस दर्ज करा दे। पूरे मामले में आशियाना इंस्पेक्टर दीपक पांडे का कहना है कि विनीत ऑर्डर लेकर पहुंचा तो अजय सिंह अपने दोस्त को छोड़ने कहीं जा रहे थे। अजय के मुताबिक जैसे ही वो घर से निकले, विनीत पहुंच गया। विनीत ने अजय से ही उसके घर का पता पूछा, क्योंकि अजय ने पान मसाला खाया था इसलिए उन्होंने उसे थूका, तो विनीत पर कुछ छींटे पड़ गए, जिस पर विनीत ने पहले गाली देकर विवाद किया। 12 से ज्यादा लोग डंडे लेकर आए और विनीत को दौड़ाकर पीटने लगे। मारपीट में विनीत के हाथ, पैर और सिर में अंदरूनी चोटें आई हैं। वहीं आशियाना थाना के इंस्पेक्टर दीपक कुमार पांडे के मुताबिक विनीत की तहरीर पर अजय सिंह, अभय सिंह के अलावा 10-12 अज्ञात हमलावरों पर SC/ST और विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले में कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने बताया कि विनीत द्वारा थाने में सूचना देने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई थी और दोनों पक्षों को शांत कराया। इस दौरान पुलिस विनीत को थाने ले जा रही थी, लेकिन विनीत ने मना कर दिया और अगले दिन रविवार को विनीत अपने वकील को लेकर थाने पहुंचा और शिकायत दर्ज कराई। फिलहाल रिपोर्ट लिखे जाने के बाद पुलिस दोनों पक्ष से पूछताछ कर रही है, साथ ही CCTV फुटेज की जाँच भी की जा रही है। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं, और पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोबारा आए हैं तो लगातार चैनल को देखते रहिए और वीडियो को शेयर जरूर करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।